दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए तुलसी जी की पूजा किस प्रकार करें और कौन से नियम हैं जिनका पालन करके हम तुलसी माता की सही प्रकार से पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। घर में तुलसी रखने की परंपरा आज ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही घर के आंगन में तुलसी जी का पूजन की परंपरा रही है। फिर चाहे वो किसी राजा का घर हो या किसी गरीब का, घर में तुलसी का पौधा रखना केवल धार्मिक रूप से ही नहीं अपितु वैज्ञानिक रूप से भी लाभकारी माना जाता है। शास्त्रों में तुलसी जी को पूजनीय, पवित्र और लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है। इसलिए घर में तुलसी का होना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं तुलसी जी की पूजन की विधि। तुलसी पूजन करने के लिए सबसे पहले पूजा की प्लेट, एक शुद्ध जल का लोटा, गंगा जल, अगरबत्ती या फिर आप धूप बत्ती भी ले सकते हैं, घी का दीपक, हल्दी और सिंदूर इकट्ठा कर लें। अब आंगन में रखी तुलसी के पास जाएं और सर्वप्रथम तुलसी जी को प्रणाम करें। उसके बाद जल अर्पित करते हुए इस मंत्र को पढ़ें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। यह मंत्र पढ़ने के बाद आप तुलसी माता को सिंदूर और हल्दी अर्पित करें, क्योंकि यह उनका श्रृंगार होता है। इसके बाद तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक और धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती जलाएं। इसके बाद शालिग्राम और वृंदा देवी को स्मरण करके तुलसी जी का जयकारा लगाएं। अब तुलसी माता की आरती गाएं और फिर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना करें। दोस्तों, आशा है आपको आज की हमारी वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।